क्या रोहित कोहली और सूर्य कुमार यादव एक ही टीम आरसीबी के लिए खेलेंगे? रोहित और कोहली आरसीबी के लिए ओपनिंग तो ही सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर खेलेंगे, तो क्या है पूरा मामला बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सबको आईपीएल 2025 का बेसब्री से इंतजार है और आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होना है। मेगा ऑक्शन में आपको कुछ बड़े नाम जैसे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव नजर आ सकते हैं। देखिए, मुंबई इंडियंस पिछले बार के आईपीएल में रोहित शर्मा को जैसे बिना बताए कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिए थे, जिससे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और रोहित और हार्दिक के बीच भी बातचीत बंद हो गई थी। ऐसे में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से नाराज है। मुंबई इंडियंस ने साफ कर दिया है कि हार्दिक ही मुंबई के कप्तान रहेंगे। ऐसे में रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान है और इस बार T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को चैंपियन भी बनाया है, और IPL में कप्तानी नहीं मिलेगी तो ऐसे में रोहित शर्मा दूसरे टीम में जाकर कप्तानी करना चाहेंगे। ऐसे में रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस खुद ही रिलीज कर देगी, नहीं तो रोहित शर्मा खुद ही रिलीज करने की मांग कर सकती है। सूर्य कुमार यादव भी अब टीम इंडिया के कप्तान बन चुके हैं और एज ए कप्तान और एज ए बैट्समैन उनका T20 में रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो सूर्य कुमार यादव भी ऑक्शन में आना चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो RCB इन दोनों को खरीदने के लिए सबसे पहले रहेंगे, क्योंकि विराट RCB के कप्तान है नहीं। फाफ डू प्लेसी का रिकॉर्ड एज ए कप्तान IPL में सही नहीं है। ऐसे में RCB को एक अच्छा कप्तान की जरूरत है, जिसके लिए रोहित शर्मा सबसे अच्छा चॉइस है। ऐसे में RCB रोहित और स्काई पर 30 करोड़ तक का भी बोली लगा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रोहित शर्मा और विराट कोहली RCB के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।